हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड फाइन। सो दिस साइड प्रियंका खन्ना, आपकी अपनी बायोलॉजी एजुकेटर। बच्चों, आज का दिन क्या है? आज है 5 सितंबर, जो कि एक टीचर्स डे के फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है, और जो कि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट, या कह सकते हो बहुत स्पेशल डे होता है हर एक एजुकेटर के लिए, और साथ ही साथ बहुत ढेर सारे बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि वो आज के दिन को बहुत इंतजार करते हैं कि उन्हें अपने टीचर्स को क्या करना होता है, विश करना होता है। सो बच्चों, टीचर्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्या आपको ये पता है? यस, हर साल टीचर्स डे को एक क्या सेलिब्रेट किया जाता है, इन द ऑनर ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के सम्मान में। क्यों? बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट टीचर एंड द स्कॉलर ऑफ इंडिया। वो एक बहुत बड़े महान टीचर थे, साथ ही साथ स्कॉलर थे इंडिया के, उनके काम को सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, द फर्स्ट टीचर्स डे सेलिब्रेट, मतलब उनके काम को सम्मानित करने के लिए, काम को टू सेलिब्रेट हिज वर्क, द फर्स्ट टीचर्स डे सबसे पहले कब सेलिब्रेट किया गया? 5 सितंबर 1962 को ऑन हिज 77th बर्थडे में। ठीक है, क्योंकि उनके काम को सम्मान करने के लिए कोई ना कोई दिन सेलिब्रेट होता, वो दिन क्या है? 5 सितंबर, जो कि पहला टीचर्स डे सेलिब्रेट किया गया 5 सितंबर 1962 को, जब उनके 77th बर्थडे थी। एंड साथ ही साथ आप इनके अचीवमेंट देख सकते हैं कि ये कितना इनका अचीवमेंट है, कि 1918 से 21 तक ये क्या थे? प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी मैसूर यूनिवर्सिटी के थे। 1921 से 31 तक प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी कैलकटा यूनिवर्सिटी के भी रहे। साथ ही साथ 1931 से 36 तक ये वाइस चांसलर थे आंध्र यूनिवर्सिटी के। एंड 1936 से 52 तक प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न रिलीजियस एंड एथिक्स, कहाँ पे? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में भी। एंड 1939 से 48 में वाइस चांसलर कहाँ के? BHU, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी के। साथ ही साथ 1952 से 1962 तक बिकम द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड 1953 से 62 तक चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एंड बिकम द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1962। देख सकते हो कितना ढेर सारा अचीवमेंट इन्होंने पाया। एंड साथ ही साथ इनका जो दिन ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है टीचर्स डे के फॉर्म में, क्योंकि 5 सितंबर 1888 में इनका जन्म हुआ था, एंड सो हिज बर्थ एनिवर्सरी वॉज बिकम अ डे। वो बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है टीचर्स डे के फॉर्म में। डॉक्टर राधाकृष्ण जो थे वो सेकेंड प्रेसिडेंट थे, अभी आपको बताया, इन द ईयर 1962 में, एंड हिज करियर वॉज स्टार्टेड एज अ टीचर। उनका जो करियर था वो एक टीचर के तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया, और उसके कह सकते हो कि उनको अपने स्टूडेंट से बहुत ढेर सारा प्यार मिला। उनका मोटो क्या था? टू रेज द अवेयरनेस ऑफ द वैल्यू ऑफ द एजुकेशन एंड बूस्ट द नेशंस लिटरेसी रेट। एजुकेशन की वैल्यू को बढ़ाना और लिटरेसी रेट में को बूस्ट अप करने में इनका बहुत बड़ा सहयोग और बहुत बड़ा योगदान था। सो बच्चों, कहते हैं जिसका काम अच्छा उसको सम्मान भी मिलता ही मिलता है। आपको भी अच्छा काम मिलना है, करना है, ठीक है, साथ ही साथ जिससे आपको आगे आने वाले टाइम पे या अभी से आपको बहुत ही ज़्यादा सम्मान मिले। इसीलिए आपको क्या करना है, ओलंपियाड्स के फॉर्म भरने हैं, ओलंपियाड का पेपर देना है, क्योंकि वो सम्मान होने का एक बहुत बड़ा जरिया है, जहां हमारे स्टूडेंट, ठीक है, जिनके अंदर बहुत ढेर सारे पोटेंशियल है, वो अपने स्कूल एग्जाम्स के जरिए इन ओलंपियाड्स एग्जाम को जरूर दीजिए, ठीक है, और सम्मानित हुइए। आपको बहुत ढेर सारे अवार्ड, प्राइजेस, सब कुछ तो मिलते हैं उसमें। सो लास्टली, आप सबको, सारे एजुकेटर्स को हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि टीचर ही एक ऐसा है जिनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है हम सबकी ज़िंदगी में। जैसे मेरी ज़िंदगी में तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, साथ ही साथ आशा करते हैं आपकी ज़िंदगी में भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। वो अपने एफर्ट्स से हमारी ज़िंदगी को सुधारते हैं, हमें एक रास्ता देते हैं जिससे हम आगे जाके एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन सकें। सो फाइनली, लास्टली, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी टीचर्स डे वंस अगेन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टास्क के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।